क्योंकि अब क्योंकि वो बॉल मूव तो हो रही है मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन एक होता है साउंड. जब तक वो ऑडियो हमें सुनाई नहीं देगी उसके साथ सिंक नहीं होगी ना, वो चीज इतनी रियलिस्टिक लगेगी. वो देखते हैं. मैं यहाँ इफेक्ट्स का एक पैनल है, अब डायनेमिक रेंज में इसलिए इंक्रीज करता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर सकूँ उस वीडियो के अंदर. तो अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो है आफ्टर इफेक्ट्स. मैं उसकी फुटेज को, सिर्फ ऑडियो को नहीं, सिर्फ फुटेज को इम्पोर्ट करूंगा, उसके नीचे ड्रॉप कर दूंगा, इसे थोड़ा सा स्केल अप कर लूंगा.